नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए बड़ी और अहम जानकारी राजधानी लखनऊ से आपको दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है सीएम की कानून व्यवस्था त्योहारों को लेकर के बैठक बदस्तूर जारी है। सीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं वो भी समझ लीजिए। बकरीद, कांवर यात्रा, सावन मेला, इस संबंध में समीक्षा बैठक हो रही है। प्रदेश के तमाम मंडलायुक्त, डीएम, एडीजी, सीपी इस बैठक का हिस्सा है, शामिल है। प्रदेश के सभी आईजी, एसएसपी, एसपी, नगर आयुक्त भी बैठक का हिस्सा हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। आगामी त्योहारों के मद्देनजर सीएम की बैठक जारी है और इस बैठक में तमाम व्यवस्थाओं की समीक्षा की जा रही है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, इस वक्त की बेहद खास खबर है क्योंकि आगामी जो दौर है वो त्योहारों का दौर है। उसको देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ हर एक कदम फूंक फूंक कर रखना चाहते हैं और इसमें वो जानते हैं कि ना सिर्फ आला अधिकारियों की बल्कि जो इनिशियल स्टेज पर अधिकारी हैं उनकी भी मदद की जरूरत होगी। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। अनूप हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं। अनूप, क्या कुछ अपडेट है? सीएम की बैठक चल रही है, हालांकि इस बात की खबर कल से ही थी कि 7 बजे बैठक शुरू हो जाएगी और बैठक में सबसे खास ये है कि डीएम और एसपी एसएसपी को भी जोड़ा गया है। और देखिए पूजा, कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री लगातार बैठक करते रहते हैं और जितने भी आला अधिकारी हैं उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा धीरे धीरे जो समय समय पर उनसे बातचीत करते रहते हैं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर छोटी से बड़ी खबरों पर स्वतः संज्ञान लेते हैं और उस पर आदेश भी देते रहते हैं। आगामी जो त्योहार है उसके मद्देनजर सबसे बड़ी जो चुनौती है कांवड़ यात्रा है। कांवड़ यात्रा में सबसे बड़ी चुनौती ट्रैफिक की उत्तर प्रदेश में होती है। तमाम ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, तमाम ऐसे विवाद खड़े हो जाते हैं उस समय। ऐसी समस्याओं को लेकर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, एसएसपी, एसपी, कमिश्नर, सभी को, एक डीएम, सबके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। हालांकि 7 बजे से थोड़ा सा विलंब था तकनीकी खराबी के चलते, लेकिन अब थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। निश्चित रूप से जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे उत्तर प्रदेश का की कानून व्यवस्था का एक खाका तैयार किया और कानून व्यवस्था के नाम से जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में तमाम जो काम किए हैं बीजेपी सरकार ने, अब जो चुनौती है वो इस समय त्योहारों को लेकर, क्योंकि त्योहारों में जो बड़े जानवर प्रतिबंधित होते हैं, जो दुधारू जानवर है उनको काटने के लिए सरकार ने रोक लगाई थी। इस बार भी कानून व्यवस्था को लेकर के मुख्यमंत्री आदेश देने वाले हैं। जो एसएसपी के साथ बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है कि जो थाना स्तर पर लगा करके अनूप, हर लिहाज से ये बैठक बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि बीते कुछ दिनों से जिस तरीके की संवेदनशीलता सूबे के अंदर देखने को मिल रही है वो वाकई अपने आप में चरम पर थी और ऐसे में बहुत बड़ी जिम्मेदारी सूबे के प्रशासन के ऊपर होगी कि वो दोनों ही तरह के, दोनों ही समुदायों के जो मेन त्योहार हैं उनको सकुशल संपादित करवा सके। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने हनुमंत धाम मंदिर प्रांगण में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शरीक होकर मंदिर का शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि हमारे देवस्थल हमारी श्रद्धा का केंद्र बिंदु तो होते ही हैं, साथ ही ये भारत की आस्था के प्रतीक भी हैं और राष्ट्रीय एकात्मकता के स्थल भी। आगे उन्होंने धर्म और राजनीति से जुड़ाव को लेकर अपने विचार साझा किए। सीएम ने कहा कि धर्म के मार्ग पर राजनीति कभी भी बाधक नहीं बन सकती। लेकर के जो लोग भारत की राष्ट्रीयता पर प्रश्न खड़ा करते थे उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि केरल में जन्म लेने वाले आदि शंकराचार्य देश के चार कोनों में चार पीठों की स्थापना करते हैं। राजनीतिक इकाइयां कहीं उसमें बाधक नहीं बनी। धर्म के मार्ग पे राजनीति कभी बाधक नहीं बन सकती। या इस देश के द्वादश ज्योतिर्लिंग हैं, 51 शक्तिपीठ हैं, अन्य महत्वपूर्ण जो धर्मस्थल हैं, ये वास्तव में केवल आस्था के ही केंद्र बिंदु नहीं है बल्कि यह भारत की एकात्मता के भी प्रतीक हैं। हमारे देव मंदिर लोक कल्याण के माध्यम है, हमें उसे निरंतर उसी पथ पर अग्रसर करके लेके चलना होगा।
देव मंदिरों में आने वाला कोई व्यक्ति भगवान की पूजा भी करे लेकिन बिना उसकी जाति पूछे, बिना उसकी क्षेत्र भाषा पूछे कोई आता है तो उस मंदिर की व्यवस्था से जुड़े हुए लोग जो भी प्रसाद ग्रहण करते हैं हर एक आने जाने वाले लोगों को उसको भी देने का कार्य करेंगे तो कोई व्यक्ति भूखों नहीं रहेगा। लखनऊ में आज मुख्यमंत्री एक 108 फीट की प्रतिमा का शिलान्यास करने जा रहे हैं। ये हनुमंत धाम है जहां पर कुछ देर बाद मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं। हमारे साथ रामसेवक दास जी हैं जो यहां के महंत हैं। क्या तैयारियां की गई हैं और कितना बदलाव हुआ है इस हनुमंत धाम में? हनुमंत धाम में एक स्थिति यहां की वो थी कि सन 60 में इधर बंधा बना इधर घूमती थी तो यहाँ ऐसे लोगों का वर्चस्व हो गया था कि जो गंदे लोगों का वर्चस्व हो गया था यहाँ कोई अच्छा व्यक्ति नहीं आता था, जुआड़ी हैं जैसे और पीने खाने वाले हैं। तो हम लोगों ने ये विचार किया कुछ ऐसा कार्य किया जाए जो अच्छे लोगों का आवागमन यहाँ हो। तो ये मंदिर था पुराने से, तो हमारा संपर्क जो है विजय भैया, संजय भैया, उदय भैया से हमारा संपर्क हुआ जो काना स्टेडियम वाले हैं, तो उनसे हमारी बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद में ये पूरा मंदिर का एरिया हमारा था, हमने उनको ट्रस्ट में देके समर्पण कर दिया। 1.25 लाख आपने बताया कि 1.25 लाख हनुमान जी छोटे बड़े मिला करके 1.25 लाख हनुमान जी की मूर्तियों का यहाँ स्थापना हुई है और कुछ मूर्ति जो है बड़ी है और यहाँ पहले से एक पुरानी मूर्ति जो यहाँ पहले से विराजमान है वो नीचे स्थान पर है, वहाँ लोग भी दर्शन करने जाते हैं। और मुख्य जो मूर्ति ये है वो सिंदूर उसमें चढ़ता है, इनका श्रृंगार होगा। बहुत शुक्रिया। देखिए हनुमान जी राम सेवक दास जी हैं, यहाँ के महंत हैं। एक पुरानी परंपरा है कि यहाँ पर लोग आते थे पहले लेकिन यहाँ पर जीर्णोद्धार नहीं था, तो कहीं ना कहीं कोशिश की गई है पर्यटन से जुड़ने की भी। आशुतोष टंडन जी आ रहे हैं, पूर्व मंत्री हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर लखनऊ में आज एक फिर बड़े उद्घाटन होने जा रहा है, शिलान्यास होने जा रहा है 108 फीट की प्रतिमा का। देखिए लखनऊ मंदिरों का शहर है, इसको छोटी काशी भी कहा जाता है और यहाँ पर ऐसा भव्य मंदिर और ऐसी भव्य प्रतिमा का निर्माण प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और आज माननीय मुख्यमंत्री जी और पूज्य स्वामी अवधेशानंद जी के कर कमलों से हम सब इसमें भाग लेके पूर्ण के भागी बन रहे हैं और इसका निर्माण जो सिन्हा ब्रदर्स करा रहे हैं उनको मैं इसके लिए बहुत साधुवाद देता हूँ। सर 1.25 लाख यहाँ पर मूर्तियाँ हैं और इसके अलावा इसको पर्यटन से भी जोड़ दिया गया है, आने वाले समय में पर्यटन से जुड़ने के बाद कितना फर्क पड़ेगा यहाँ पर? देखिए आज पर्यटन दुनिया में सबसे बड़े उद्योगों में एक है, पर्यटन जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। अब वो धार्मिक पर्यटन हो या सामान्य पर्यटन हो उससे उस पूरे इलाके की प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है। तो एक तरफ तो जहाँ हमारा आध्यात्मिक कार्य हो रहा है और वहीं ये पर्यटन के क्षेत्र में भी बड़ा काम। उत्तर प्रदेश के संसदीय इतिहास में विधान परिषद में कभी प्रखर ताप से चमकने वाला कांग्रेस का सूर्य 6 जुलाई यानी कि आज अस्त हो गया। विधान परिषद के 135 वर्ष पुराने इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब सदन में देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल कांग्रेस का प्रतिनिधित्व अब नहीं रह गया। विधान परिषद में कांग्रेस के एकमात्र सदस्य दीपक सिंह का कार्यकाल बुधवार यानी कि आज समाप्त हो गया। चुनाव के बाद एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनाव की तैयारियों में जुटी है। लोकसभा चुनावों को तैयारियों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी लगातार बैठक कर रही है, नए नए संगठन बना रही है, लोगों को जोड़ रही है। वहीं दूसरी तरफ जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है कांग्रेस पार्टी, वो उत्तर प्रदेश में लगातार सिमटते नजर आ रही है। पहले विधानसभा चुनाव में उनकी संख्या घटकर 2 पहुंच गई, अब वहीं विधान परिषद में भी उनके आखिरी एमएलसी यानी कि दीपक सिंह का कार्यकाल खत्म होने के बाद कांग्रेस विधान परिषद में शून्य हो गई है। 2024 के चुनाव को लेकर अब क्या नई रणनीति होगी, प्रियंका गांधी किस तरह से संगठन को मजबूत करेंगी, किस तरह के उनके जो रणनीति होगी वो किस तरह से बनाएंगी, फिलहाल ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कांग्रेस का दायरा लगातार सिमट रहा है और अभी तक प्रदेश अध्यक्ष भी कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के लिए तय नहीं कर पाई है। फिलहाल इस तरह के समीकरण को देखते हुए लगता है कि कांग्रेस को एक बड़ी लड़ाई लड़नी होगी अभी 2024 से पहले अपने संगठन को मजबूत करने के लिए। कैमरा पर्सन राजेश के साथ तौफीक दुबे, जनता टीवी, लखनऊ। तो बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं राजधानी लखनऊ से। कल राजधानी लखनऊ पहुंचेंगे यशवंत सिन्हा, विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा। दिल्ली से कल लखनऊ पहुंचने वाले हैं यशवंत सिन्हा।
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात इस दौरान करेंगे। सपा कार्यालय में सपा विधायकों के साथ में बैठक होगी। कल शाम को 5 बजे राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बैठक करने वाले हैं यशवंत सिन्हा। सपा के सभी विधायक इस बैठक में शरीक होने वाले हैं। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सपा की अहम बैठक होगी जिसमें यशवंत सिन्हा शरीक होने वाले हैं। आपको बता दें कि जिस दौरान यशवंत सिन्हा ने नामांकन किया था उस दौरान अखिलेश यादव प्रमुखता से उनके नामांकन में शरीक भी हुए थे, दिल्ली पहुंचे हुए थे। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से इस वक्त की दे रहे हैं। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए तौकीर किदवई हमारे साथ में जुड़ गए हैं लाइव ग्राउंड जीरो से। तौकीर, क्या कुछ अपडेट देखने को मिल रही है, क्योंकि यशवंत सिन्हा कल लखनऊ में होंगे और सबसे बड़ी बात यह कि कल विपक्षियों की बैठक भी है जिसमें वो शरीक होने वाले हैं। जी बिल्कुल, कल अखिलेश यादव के कार्यालय वो पहुंचेंगे और वहां पर जो भी समाजवादी पार्टी के सांसद, विधायक, विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनके साथ वो मिलेंगे और उनके साथ सहयोग मांगेंगे उनका। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर लगातार सवाल उठा रहे हैं अखिलेश यादव पर, अखिलेश यादव ने भी तंजिया उन पर हमला किया था और कहा था कि हमें सलाह की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है क्योंकि 6 विधायक ओम प्रकाश राजभर के पास भी हैं तो उनका समर्थन कैसे हासिल होगा। अब ये कल बैठक में देखने को मिलेगा कि ओम प्रकाश राजभर इस बैठक का होते हैं कि नहीं होते हैं। लेकिन यह जरूर है कि यशवंत सिन्हा कल समर्थन मांगने आ रहे हैं अखिलेश यादव ने, जबकि पहले उनके समर्थन का ऐलान कर दिया है। लेकिन वो सारे जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनकी वो मुलाकात कराएंगे यशवंत सिन्हा से और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यशवंत सिन्हा के साथ वो मंच भी साझा करेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तौकीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो इस बीच उत्तराखंड का रुख करेंगे। उत्तराखंड से भी बड़ी खबर है, राष्ट्रपति नामांकन और चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। एनडीए की प्रत्याशी, राष्ट्रपति प्रत्याशी जो द्रौपदी मुर्मू है, वो आगामी निर्वाचन के मद्देनजर हर राज्य में पहुंचकर सभी सांसदों और विधायकों से जनसंपर्क कर रही हैं और समर्थन करने के लिए अपील भी कर रही हैं। इसी कड़ी में मुर्मू 11 जुलाई को देहरादून पहुंचेंगी और समर्थन जुटाएंगी। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का उत्तराखंड दौरा तय हो चुका है। आने वाली 11 तारीख को राष्ट्रपति की उम्मीदवार उत्तराखंड पहुंचेंगी। इसके साथ ही वह पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से और पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगी। वीडियो जर्नलिस्ट रुपेश नेगी के साथ नवीन शुक्ला, जनता टीवी, देहरादून। उत्तरकाशी में देर रात से हो रही भारी बारिश के चलते यमुना घाटी में नुकसान देखने को मिला, जहां यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग खनेड़ा और डाबरकोट में बुलडोजर और मलबे से मलबा आने के चलते सड़क अवरुद्ध हो गया है। वहीं पर तहसील बड़कोट के अंतर्गत नगर पालिका बड़कोट में घरों में सड़क का पानी घुस गया और जगह जगह सड़कों में मलबा नजर आ रहा है। तो वहीं न्याय पंचायत तिया के खाबला गांव में भारी तादाद में मलबा होने के चलते लोगों को नुकसान भी हुआ है। मोरी क्षेत्र से बाजार सहित कई गांवों में पानी और मलबा घुसने की सूचना मिल रही है। आपको बता दें कि बड़कोट क्षेत्र के अंतर्गत अभी 1 दर्जन से ज्यादा सड़कें बंद हैं। सिमलसारी गौर मोटर मार्ग पर नदी उफान पर बताई जा रही है और कई जगहों पर बंद भी देखने को मिल रहा है। मकानों में जल जमाव की स्थिति है। नुकसान का जायजा लेने उपजिलाधिकारी बड़कोट शालिनी नेगी मौके पर मौजूद भी रहीं और उन्होंने अंदाजा लगाने की कोशिश करी है कि आखिरकार इस हादसे के बाद, दैवीय आपदा के बाद कितना नुकसान हुआ है। वहीं रामनगर के ग्राम ढेला में गोली लगने से जवान की दर्दनाक मौत हो गई। सीआईएसएफ में काठमांडू में भारतीय दूतावास में जवान के पद पर तैनात थे। जवान की मौत की सूचना दूतावास के अधिकारियों ने दूरभाष के जरिए परिजनों को दी है, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया और गांव में शोक की लहर दौड़ गई। मंगलवार की देर रात मृतक जवान का पार्थिव देह सेना के जवान लेकर उनके आवास पहुंचे, जहां आवास पर मौजूद परिजनों के अलावा सैकड़ों की तादाद में लोगों ने नम आंखों के साथ दीपक को अंतिम विदाई दी है। बुधवार की सुबह जवान के शव को दूतावास से जवानों ने तिरंगे में लपेटकर पुष्प चक्र अर्पित किया और अंत सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। जो हमारे साथी थे उनका देहांत हो गया था तो उनको सम्मान गार्ड में आपको सम्मान देना है, तो मैं आदेश प्राप्त करके और कल के डेट में यहाँ पे पहुँच गया था और किसी कारण से कल जो है हो नहीं पाया, तो आज जो है सुबह हमने उनको सम्मान प्रदान। तो चलिए फटाफट अंदाज में 5 में 25 अहम जिलों का रुख करेंगे। आगरा में महिला आयोग अध्यक्ष निर्मला दीक्षित ने महिला जन सुनवाई का आयोजन किया। दर्जनों महिलाओं ने अपनी आपबीती सुनाई। महिला संबंधी मुकदमों में जल्द से जल्द निस्तारण के दिए निर्देश।
आगरा के सदर थाना क्षेत्र में एक दुकान में रसोई गैस सिलेंडर की रिफिलिंग की वीडियो वायरल। रिहायशी इलाकों में गैस रिफिलिंग के कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। कानपुर के गजनेर थाना क्षेत्र में दबंगों ने महिला के घर की दीवार गिराकर किया जबरन कब्जा। विरोध करने पर दबंगों ने महिला के साथ करी मारपीट। सिद्धार्थनगर के बासी कोतवाली क्षेत्र में तेज रफ्तार कार दुर्घटनाग्रस्त। सड़क हादसे में 3 युवकों की मौके पर ही मौत, 1 घायल। घायल का इलाज मेडिकल कॉलेज में जारी। वाराणसी को करोड़ों की सौगात देने आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका होगा भव्य स्वागत। गंगा आरती में उनकी तस्वीर को किया गया शामिल, फूलों से लिखा स्वागतम। अलीगढ़ के पिसावा थाना क्षेत्र में सरयाम बाजार में 2 गुटों के बीच में फायरिंग। 2 गुटों में तमंचे डंडे लहराते हुए बाजार में फैलाई दहशत। पुलिस के पहुंचने पर दोनों गुट मौके से तितर बितर। हल्द्वानी में नैनीताल पुलिस अब हाईटेक कंट्रोल रूम से संभालेगी अपराध और यातायात की व्यवस्था, जिसमें अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा कंट्रोल रूम। मिर्जापुर शहर कोतवाली क्षेत्र के पुलिस ने 4 साल की बिछड़ी बच्ची को मां से मिलाया। इस कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को पुलिस अधीक्षक ने 10,000 रुपए से पुरस्कृत भी किया। आगरा के नगर निगम की बढ़ रही डिजिटल की तरफ, महापौर नवीन जैन ने बताया कि अब आगरा के लोग अपने मकान दुकान और का घर बैठे ही करवा सकेंगे निर्धारण। औरैया के मुरादगंज चौकी क्षेत्र में तेज रफ्तार मोटरसाइकिल फिसली, 2 युवक गंभीर तौर पर हुए घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सरकारी एम्बुलेंस के जरिए पहुंचाया अस्पताल। मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में बकरीद और कांवड़ यात्रा के मद्देनजर लोगों के साथ जिला प्रशासन ने करी मीटिंग में सैकड़ों की तादाद में लोग रहे मौजूद। रुद्रपुर के एसओजी ने बाजपुर से 2 लोगों को किया गिरफ्तार। इनके कब्जे से प्रतिबंधित वन्य जीव चीतल के 5 जोड़ी सींग, 6 किलो अवैध गांजा और 1 मोटरसाइकिल भी हुई बरामद। मैनपुरी के करहल तहसील क्षेत्र में शिवपाल यादव की स्कॉट की जीप को रोडवेज बस ने पीछे से मारी टक्कर, स्कॉट सवार दरोगा सहित 4 सिपाही घायल। गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र में ऑटो और कार में मामूली टक्कर, कार सवार दबंग युवकों ने ऑटो में बैठे 2 युवकों के साथ करी मारपीट, उनका अपहरण कर लिया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की। मिर्जापुर की सेवा समिति के संयोजक दिलीप सिंह ने पुलिस अधीक्षक से करी मुलाकात। फिल्म काली के निर्माता लीना के विरुद्ध FIR दर्ज करने के लिए मांग पत्र सौंपा और तत्काल कार्रवाई की मांग करी। इस बार की कांवड़ यात्रा होगी स्पेशल, सभी कांवड़ियों पर की जाएगी पुष्प वर्षा। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने DM को दिए निर्देश। नोएडा में ईरानी गैंग के टप्पेबाजी करने वाला एक अभियुक्त गिरफ्तार, 2 फरार अभियुक्त के कब्जे से 160 ग्राम सोना भी बरामद। हमीरपुर में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत, एक ही टाइम में अलग अलग जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने से हुई मौतें। रुद्रपुर में प्रतिबंधित शीतल के 5 सींग के साथ 2 लोग गिरफ्तार, इनके कब्जे से प्रतिबंधित वन्य जीव प्राणी चीतल के 5 जोड़ी सींग, 6 किलो 80 ग्राम अवैध गांजा भी हुआ है बरामद। गोंडा के प्राथमिक विद्यालय बनी शराब की मंडी, प्रधान अध्यापक ने स्कूल को बनाया शराब का अड्डा, प्रधान अध्यापक की स्कूल में शराब पीते वीडियो वायरल। आगरा के निबोहरा थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद के चलते युवक के हाथ में लगी गोली, घायल युवक अस्पताल में भर्ती, जांच में जुटी पुलिस। आगामी कांवड़ मेले को सफल बनाने के लिए हरिद्वार में जारी मीटिंग का दौर, प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारी रहे मौजूद। अलीगढ़ के ग्राम प्रधान की मनमानी से नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं ग्रामीण। ग्रामीणों को साफ तौर पर कहना है कि ग्राम प्रधान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अलीगढ़ नगर निगम ने गृह कर बढ़ोतरी के मामले ने तूल पकड़ लिया है। नगर निगम के खिलाफ फूटा पार्षदों का गुस्सा, मांग न पूरी होने पर पलायन की भी धमकी। कानपुर के बर्रा में दंपति हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, बेटी ने प्रेमी के साथ माता पिता का किया था कत्ल, पुलिस ने बेटी और प्रेमी को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।